वेलकम टू प्रिंस क्लासेस बच्चों, आज हम SST का लेसन 15 पढ़ेंगे जो है फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आने से पहले हम लोग का फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1857 से लेकर 1915 तक था। 1857 रिवोल्ट खत्म होने के बाद जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इंडियंस के लिए दो चीज़ फायदा हुआ था, इंडियंस को दो चीज़ों का फायदा हुआ था 1857 रिवोल्ट से। पहला, क्योंकि इंडियंस को ये पता चल गया था कि हमें अगर ब्रिटिश को निकालना है तो हमें एक होना पड़ेगा, और दूसरा जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन भर जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट चला गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो इंडिया को एक होने के लिए, ब्रिटिश को निकालने के लिए, इंडिया को एक होने के लिए नेशनलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जो कि 1857 रिवोल्ट अनसक्सेसफुल होने के बावजूद भी इंडियंस के पास नेशनलिज्म आ चुका था। उन्हें पता था एज ए नेशन हमें लड़ना है ब्रिटिश के अगेंस्ट में उन्हें हराने के लिए। तो उस टाइम में कुछ सोसाइटी में इवरी प्रैक्टिसेस थी जो सोशल रिफॉर्म्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। विदाउट सोशल रिफॉर्म्स इंडिया कभी एक नहीं हो सकता था। उस टाइम कास्टिज्म सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सती प्रथा था, चाइल्ड मैरिज था, ऐसे कुछ थे इविल प्रैक्टिसेस थे हर एक धर्म में, हर एक रिलीजन में थे, जो कि एज ए ऑब्स्टकल, एज ए हिंड्रेंस, एज ए बैरियर आप बोल सकते हैं उस टाइम इंडियंस के सामने थे। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में आए, आप लोग को पता होगा 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए। गांधी जी से पहले का हालत देश का क्या था? बहुत सारे इविल प्रैक्टिसेस चल रहे थे। तो जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, तीन सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। जब सोशल रिफॉर्मर्स का बात आता है तो सबसे पहला बात राजा राममोहन रॉय का आता है, राजा राममोहन रॉय का आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बोला जाता है कि ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, उन्हें बोला जाता है ही इज द फादर ऑफ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, कुछ भी आप कहे बोल दीजिए वो सब उन पर फिट होता है। उन पर बहुत सारे टाइटल उन्हें मिला था क्योंकि वो इतना नॉलेजिस थे कि उनके नॉलेज की बदौलत उन्होंने उस टाइम के जो धर्म के ठेकेदार थे सबका मुंह उन्होंने चुप करवा दिया था। राजा राममोहन रॉय का कुछ पास्ट जानते हैं, राजा राममोहन रॉय का कुछ बचपन में जानते हैं, फिर चलते हैं बुक्स में क्या है और राजा राममोहन रॉय कैसे एक सोशल रिफॉर्मर्स थे उनका बारे में पढ़ेंगे। राजा राममोहन रॉय राधानगर, एक बंगाल का छोटा सा जगह है राधानगर, ये वेस्ट बंगाल में गिरता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं वो। 1772 में एक ब्राह्मीन फैमिली में, ब्राह्मीन टिपिकल ब्राह्मीन फैमिली में वो पैदा हुए थे। उनका फादर का नाम था रामाकांत और उनका मदर का नाम था तारिणी देवी। वो 14 साल की उम्र में एक्चुअली ही एक्सप्रेस हिज डिजायर टू बिकम ए मंक, लेकिन उनके माताजी का, उनके मम्मी का बार बार मना करने के बाद वो मान गए कि नहीं, मुझे मंक नहीं बनना था। लेकिन उस टाइम जो इविल प्रैक्टिसेस चलते थे उनमें से एक था चाइल्ड मैरिज, वो उससे बच नहीं पाए बच्चों। उन्होंने मैरिज किया था 9 साल की उम्र में, उनको शादी करना पड़ा था 9 साल की उम्र में, वो एज ऑफ 9 में, 9 साल की उम्र में पहले शादी किए, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही उनके पहले बीवी मर चुकी थी। और दूसरा, उन्होंने एक साल बाद ठीक दूसरा शादी उन्होंने किया, ठीक एक साल बाद, उनमें से उनके दो लड़के हैं, उनको दो लड़का हुआ, फिर दूसरे बीवी भी चल बसे। फिर उन्होंने तीसरा मैरिज किया लेकिन उनके तीसरी बीवी उन्हें छोड़ के चली गई। ये था उनका बचपन का कुछ कहानी। लेकिन वो बचपन में बहुत सारे इविल प्रैक्टिसेस देखे थे, उन्हें पता था ये एक बीमारी है, इंडिया को अगर रिफॉर्म करना है, सोशली रिफॉर्म करना है, तो ये सही बीमारी को जड़ से हटाना पड़ेगा। वो बीमारी क्या था? सती प्रथा उनमें से एक थी। सती प्रथा होता क्या था बच्चों? सती प्रथा एक ऐसा प्रथा था, एक घिनौना प्रथा था जो कि हिंदू रिलीजन में चलता था, कि अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो बीवी को जिंदा जलना पड़ता था। जब चिता लगती थी हस्बैंड की तब बीवी को जिंदा जलाया दिया जाता था, कोई अपना शौक से तो मरेगा नहीं, जबरदस्ती उन्हें जलाया जाता था। राजा राममोहन रॉय का भाई का जब इंतकाल हो गया, भाई का जब मौत हो गया, तब उनकी बीवी को जिंदा उन्हीं का, राजा राममोहन रॉय का आंखों का सामने जला दिया गया था। तो राजा राममोहन रॉय ये देख के बहुत शक हुए थे। तो उस टाइम में ये प्रैक्टिस एक वेरी कॉमन था। आज भी बहुत सारे रिलीजन में बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस चलते हैं बच्चों। इंडिया पूरा सोशली रिफॉर्म्स अब तक भी नहीं हुआ है, हर एक रिलीजन में इविल प्रैक्टिसेस है बच्चों। तो इससे आप बोल नहीं सकते कि इविल प्रैक्टिसेस बंद हो गया है इंडिया में, बिल्कुल नहीं। इंडिया में अभी भी इविल प्रैक्टिसेस, बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस है बच्चों जो अभी भी चल रहा है। तो उस टाइम में सती प्रथा को एबोलिश करने के लिए, सती प्रथा को मूल से निकाल फेंकने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए राजा राममोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे।
तो कुछ जानते हैं राजा राममोहन राय इतने ज्ञानी कैसे थे। राजा राममोहन राय ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुए थे, तो वो हिंदू धर्म का पूरा वेद उपनिषद उन्हें अच्छी तरह से पता था। इसके बाद वो उन्हें और भी बहुत सारी लैंग्वेज का नॉलेज था, जैसे कि अरबिक, पर्शियन, संस्कृत, इंग्लिश, इनके सब के बारे में उनको नॉलेज था। तो हिंदू थे बाय रिलीजन, वो हिंदू थे, लेकिन वो हिंदू का सब चीज़ नहीं मानते थे। वो हिंदू का आइडल वर्शिप का अगेंस्ट थे, वो आइडल मूर्ति पूजा में और बिलीव नहीं करते थे। तो उन्होंने अपना सभा बनाया, आत्मीय सभा उसका नाम दिया 1828 में, ठीक है। आगे चल के 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा बनाया, और आगे चल के वो 1828 में उन्होंने उसका नाम ब्राह्मो समाज रख दिया, जो कि वन गॉड में बिलीव करते थे, ठीक है। ये उनका उन्होंने ब्राह्मो समाज बनाया कि वन गॉड है, एक ही गॉड को आप बिलीव करना चाहिए। वो उन्होंने ये एडवोकेसी दिया, एडवोकेट किया कि ये होना चाहिए। वो हिंदू थे, वो कभी कास्ट चेंज नहीं किए, लेकिन हिंदू का सारा चीज़ वो नहीं मानते थे। उनको सती प्रथा से प्रॉब्लम थी, जो कि होना भी चाहिए। उन्हें पॉलीगमी मतलब बच्चा एक से ज़्यादा शादी होने को पॉलीगमी बोलते हैं, और चाइल्ड मैरिज, जो कि वो खुद मैरिज किए थे 9 साल की उम्र में, उससे बच नहीं पाए थे इस बीमारी से। तो उन्हें पता था ये एक बहुत बड़ा बीमारी है, जिससे इंडिया को वो मुक्त करवाने चाहते थे, ठीक है बच्चों। तो किन किन चीज़ों में सपोर्ट करते थे, वो इंटरकास्ट मैरिज में सपोर्ट करते थे, कि कास्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है, आप इंसान हो तो इंसान से मैरिज कर सकते हो। वो वोमेन एजुकेशन का बारे में वो सपोर्ट करते थे, और विडो रीमैरिज करवाने चाहते थे, कि जिसका हस्बैंड का इंतकाल हो गया, जिसका हस्बैंड का डेथ हो गया, तो वो दूसरा शादी कर सकता है, ना ही उसे सती कर देना चाहिए, उसे अपना हस्बैंड का चिता में उन्हें जला देना चाहिए। वो उसका अगेंस्ट में थे, वो विडो रीमैरिज करवाने चाहते थे। तो उस टाइम वो ऐसे ही बोल देंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा, धर्म का ठेकेदार बहुत थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो हेल्प लिया, किसका, लॉर्ड विलियम बेंटिक का उन्होंने हेल्प लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको ये याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का मदद से उन्होंने एक एक्ट पास किया, एक रेगुलेशन एक्ट पास किया 1829 में, कि जो सती करने के लिए मजबूर करेगा औरत को, तो उन्हें दंडित किया जाएगा, कानूनन दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्ट आ गया, तो उससे ये फर्क पड़ा, सबको डर पैदा हो गया, तो धीरे धीरे ये सती प्रथा इंडिया से एबोलिश हो गया। अब सोच के देखिए बच्चों, 9-9 साल 10-10 साल की लड़कियों, अगर लड़की को शादी कर दिया जाता था 8 साल 7 साल 8 साल का, अगर वो विधवा हो जाती थी किसी कारणवशत, तो सोचिए आपको उम्र के बच्चों को जिंदा आग में जलना पड़े, तो फील सोचिए आपको कैसा लगेगा। अब जस्ट फील करिए कि आपका उम्र 10-11 साल होगा, तो आपको अगर जिंदा जलना पड़े, जो लड़कियां हैं मेरे, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, आपको फील कैसा होगा बच्चों। बहुत ही बुरा, बहुत ही दर्दनाक फीलिंग था जिंदा किसी को जलाना, हाँ कि नहीं बच्चों। तो राजा राममोहन राय एक मीरातुल अकबर, एक पर्शियन लैंग्वेज में एक किताब पब्लिश किए थे, मीरातुल अकबर नाम के एक किताब पब्लिश हुआ था, वो पर्शियन लैंग्वेज में था, ये भी आपको याद रखना होगा बच्चों। तो राजा राममोहन का जिंदगी बहुत ही संघर्षपूर्ण था, जो कि सती प्रथा को एबोलिश करने में, आपको तीन चीज़ याद रखना है, राजा राममोहन राय के एक ब्राह्मण समाज का फाउंडर है वो, दूसरा सती प्रथा उन्होंने एबोलिश किया था, किसका मदद से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के मदद से 1829 में उन्होंने सती प्रथा को एबोलिश किया था। अब पढ़ेंगे बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि एक दूसरे सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनका बारे में पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती फरवरी 12, 1824 टंकारा, एक गुजरात का गांव में पैदा हुए थे। उनका नाम था मूल शंकर। ये उनका पिताजी का नाम था करसनजी लालजी तिवारी, और उनका यशोदाबाई उनका माताजी का नाम था। इनका नाम मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती कैसा हुआ, उनका जो गुरुजी थे बिराजानंद शाह, वो नाम दिए थे, ये नामकरण वो किए थे, ठीक है बच्चों। तो ऑन 7 अप्रैल 1875 दयानंद सरस्वती फॉर्म द आर्य समाज एट बॉम्बे, वो आर्य समाज बनाए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती एक कट्टर हिंदू आप बोल सकते हो वो थे, लेकिन वो भी आइडियल वर्शिप में यकीन नहीं करते थे। वो बोलते थे बैक टू वेदर्स, वेदों को चले जाओ, क्योंकि उस टाइम में क्रिश्चियन लोग बहुत सा धर्म चेंज करके सबको क्रिश्चियन बना रहे थे,
तो बोले थे कि बैक टू वेदर्स, वेदर का नॉलेज लो, लेकिन ये भी अगेंस्ट में थे बच्चों, आइडल वर्शिप का ये अगेंस्ट में थे, ये सब धर्म को कटाक्ष करते रहे, लेकिन मूल हिंदू थे, वेद और उपनिषद को बहुत मानते थे। उनका सबसे प्यारा नारा था बैक टू वेदर्स, अब वेदों को वापस चले जाओ, क्रिश्चियन मत बनो, उस टाइम वो बोलते थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे जो कि उस टाइम में, ये भी अगेंस्ट में थे चाइल्ड मैरिज का, ये भी अगेंस्ट में थे, ये आप बोल सकते हो ये भी सती प्रथा का अगेंस्ट में थे। उस टाइम सती प्रथा ऑलमोस्ट एबॉलिश हो चुका था 1829 रूल का बाद, तो इनका भी इंडिया को यूनाइट बनाने में, सोशल रिफॉर्म्स इंडिया में लाने में बहुत ही ज़्यादा हाथ था। बच्चों नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, हम पढ़ेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ईश्वर चंद्र उनका नाम था एक्चुअली ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, ये 26 सितंबर 1820 में पैदा हुए थे। ये 26 सितंबर 1820 में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। उनका फादर का नाम था ठाकुर दास बंदोपाध्याय और उनका माता का नाम था भगवती देवी, ठीक है। ये हुगली डिस्ट्रिक्ट में गिरता है, जो जहाँ पैदा हुए थे हुगली डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, कि वेस्ट बंगाल स्टेट में पैदा हुए थे, एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। ये उस टाइम सोचिए सती प्रथा खत्म हो गया था बच्चों 1829 में, ये पैदा हुए थे 1820 में, तो ये जब 9-10 साल का थे तब सती प्रथा तो चला गया था। लेकिन जब सती प्रथा चला गया बच्चा, सोचिए अगर कोई विधवा हो जाता था तो वो विधवा, उस टाइम था विधवा दूसरा शादी नहीं कर सकता। अब भी कुछ गांव में, कुछ सोसाइटी में आप पाएंगे विधवा नहीं शादी कर सकती, सफ़ेद साड़ी पहनना पड़ेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे रूल है। उस टाइम में ये सिलसिला और भी भयंकर था, तो वो उसका अगेंस्ट में थे, वो ये वोमेन एम्पावर करने के लिए बहुत इनका मेजर रोल था, इन्होंने वोमेन का एजुकेशन करने के लिए इनका बहुत रोल था, वोमेन को एजुकेशन दिलवाने के लिए, और विडो रिमैरिज एक्ट ये लेके आए थे ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स की मदद से ये इन्होंने विडो रिमैरिज का बहुत ही बड़ा एडवोकेसी किया कि हाँ विडो को दोबारा शादी करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम के विडो क्या करते थे, मजबूरन होके अपना जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के सिवा और कुछ नहीं दिख सूझता था, तो वो चाहते थे कि ऐसा होने से, ऐसा अगर हो जाता है, अगर सब ऐसी प्रोस्टिट्यूट बन जाएंगे तो सोशल रिफॉर्म्स नहीं आएगा, तो वो चाहते थे कि सोशल रिफॉर्म्स करने के लिए विडो रीमैरिज एक्ट लाना जरूरी है। ये भी चाइल्ड मैरिज का अगेंस्ट में थे, ये विडो रीमैरिज को करवाना चाहते थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर्स थे। ये हर कास्ट को इक्वल सोचते थे, ये कास्टिज्म कुछ नहीं है बच्चों। आज भी इंडिया इतना साल इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी इंडिया में कास्टिज्म बहुत ही ज़्यादा है। आप आपके गांव में चले जाइए, आप लोग तो एजुकेटेड है छोड़ दीजिए, जो गांव में इलिटरेट है या इवन लिटरेट पीपल भी, वो सोचते हैं कि अगर दूसरा कास्ट का कोई आ गया हम लड़की नहीं देंगे, हम वहाँ से बहू नहीं करवाएंगे। इवन गांव का हालत इतना बुरा है कि हम उनका घर का पानी तक भी नहीं पियेंगे। अगर कोई हिंदू है और अगर कोई मुस्लिम कोई आ जाता है उनका घर को, घर में नहीं घुसाएंगे। ये हालत अब भी इंडिया में है, तो उस टाइम में क्या होता रहेगा आप सोच के देखिए। अगर ऐसा होता, ये अगर रिफॉर्म्स थोड़ा बहुत भी नहीं लाते तो इंडिया कभी यूनाइट नहीं हो सकता, सब धर्म के लोग कभी एक नहीं हो सकते, और इंडिया कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट इंडिया को होने के लिए ब्रिटिश को धक्के दे के यहाँ देश से निकालने के लिए सबको एक होना जरूरी था बच्चों उस टाइम, ठीक है बच्चों। तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो थे सोशल रिफॉर्मर्स हम लोग पढ़े हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बना और किसने बनाया, ये चीज़ हमें याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बना और किसने बनाया बच्चों? इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए बना कि अगर ब्रिटिश के पास हमें कोई ग्रीवेंस है, हमारा कोई दुख है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट हमें भेजना है, कौन लेके जाएगा, कौन भेजेगा कौन, इसलिए ये पार्टी बना, पहला पॉलिटिकल पार्टी बना, उसका नाम दिया गया INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 1885 में बना बच्चों, ये 1885 में बना। इसे बनाने वाले कौन थे? आलन ऑक्टोवियन ह्यूम, आपको ये नाम याद रखना है, ये साल याद रखना है, INC फॉर्म हुआ था। ये इंडिया का फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, इंडिया का फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है। क्यों बना बच्चों? मैंने लिखा है, आप देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स
फेस्ड बाय द इंडियंस। इंडियंस को जो जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट तक कौन लेके पहुंचाएगा, उसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया गया था। हाँ कि नहीं बच्चों, ये एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया गया था। अब बच्चों पॉलिटिकल पार्टी में हर ग्रुप के टोटल 72 डेलीगेट्स थे बच्चों, उस पॉलिटिकल पार्टी में 72 डेलीगेट्स थे, मतलब हर एक प्रोविनेंस से कोई ना कोई था, तो टोटल 72 डेलीगेट्स थे। और उमेश चंद्र बनर्जी उसका पहला प्रेसिडेंट थे, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है बच्चों, अब आगे चल के ये इनका अंदर मतभेद होने लगा अपना आइडियोलॉजी को लेके, तो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, एक थे मॉडरेट्स, दूसरा थे नेशनलिस्ट। आपको ये जानना है बच्चों मॉडरेट्स किसे कहते हैं और नेशनलिस्ट कैसे कहते हैं। आगे चल के मैंने जैसा बताया आपको, ये दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, एक थे मॉडरेट दूसरे थे नेशनलिस्ट। मॉडरेट्स उसे बोला जाता है जो कि डिस्कशन से, मीटिंग से या रिक्वेस्ट से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो मॉडरेट्स वेयर दोज हु एम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशन, मीटिंग्स एंड रिपीटेड रिक्वेस्ट। ये बहुत नर्म स्वभाव के थे। दे बिलीव्ड इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। वो मानते थे कि ब्रिटिशर्स हमें जस्टिस दिलवाएंगे अगर हम डिस्कशन करेंगे, मीटिंग्स करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, जोर जबरदस्ती इनसे कुछ करवाया नहीं जा सकता। ये मॉडरेट्स का सोच था। तो उनमें कौन कौन थे मॉडरेट्स बच्चों? दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड बदरुद्दीन त्याब जी। ये आप मॉडरेट्स, ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। ये मॉडरेट्स से थे, मॉडरेट ग्रुप से, आपको ये याद रखना है। और मॉडरेट्स किसे बोलते हैं आपको ये याद रखना है इनमें से। फिर पढ़ेंगे नेशनलिस्ट क्या थे। नेशनलिस्ट थे कि हर इंसान को अपना अधिकार के लिए, अपना हक के लिए लड़ना चाहिए, जो सोचते थे उन्हें बोलते थे नेशनलिस्ट। सम मेंबर्स ऑफ आईएनसी डिडंट अप्रूव द मॉडरेट अप्रोच, सो दे वेयर कॉल्ड द नेशनलिस्ट। उनका सोच क्या था, दे बिलीव दैट पीपल मस्ट फाइट फॉर देयर राइट्स। इंसान को अपना अधिकारों के लिए लड़ाई करना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, हमें तो हमारा अधिकार चाहिए ही चाहिए, इनका ये नारा था। तो किसका नारा था ये? लाला लाजपत राय। उनमें से मेन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इनको लाल बाल पाल बोला जाता था बच्चों। तो इनसे लाल ले आए, इनसे बाल ले आए और यहाँ से बिपिन चंद्र पाल से पाल ले आए। इन्हें फेमसली लाल बाल पाल बोला जाता था। तो ये थे बच्चों मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट। 1907 में, मतलब 1907 में एक सूरत में सेशंस हुआ था कांग्रेस का, उसमें ये डिवाइड हो गए। 1907 में सूरत सेशन में डिवाइड हो गए। क्या थे? मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट का आइडियोलॉजी मैच नहीं किया। तो उस टाइम में नेशनलिस्ट ग्रुप हम लोग जैसा पढ़े, लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो इनका नाम से जाना जाता था। वो क्या बोले कि हम पूरे टोटली बॉयकट करेंगे, हम स्वदेशी मूवमेंट में वो थे। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट आगे चल के पढ़ेंगे बच्चों, स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है वो आगे चल के पढ़ेंगे। वो टोटली बॉयकट का नारा दे दिए, वो नॉन कॉपरेशन, मतलब कोई भी रूल को नहीं मानेंगे, ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, चाहे ब्रिटिश हमारा क्या कर ले, करना जो करना है कर ले, हम टैक्स नहीं देंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे, ब्रिटिश का कोई भी सामान हम यूज़ नहीं करेंगे। ये डायरेक्ट नारा दे दिए नेशनलिस्ट। वो कोई बातचीत करना, कोई मीटिंग करना, कोई रिक्वेस्ट करना नहीं चाहते थे। ठीक है बच्चों, अब पॉलिसी ऑफ डिवाइडेड रूल। ब्रिटिश को अच्छा तरह से पता था, जिस तरह से नेशनल कांग्रेस पॉपुलर हो चला था, ब्रिटिशर्स को पता था अगर नेशनल कांग्रेस आगे जाके पूरा देश पूरा यूनाइट हो जाता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा ब्रिटिशर्स के लिए। तो उन्होंने एज यूजल, उन्हें तो पहले से पता है डिवाइडेड रूल कैसा करना है, ये सबसे बड़ा उनका हथियार था, क्योंकि मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स थे जो कि हमें शासन करते थे। तो उन्होंने क्या बोला, 1905 मतलब 1905 में बोले कि बंगाल को पार्टीशन कर देंगे। क्यों? क्योंकि सब जड़ था बंगाल। आप भी देखेंगे इंडियन हिस्ट्री को उठा के, तो ब्रिटिशर्स पहले आए बंगाल और चाहते थे भी रूल करने बंगाल, हाँ कि नहीं, वो भी चाहते थे अपना हेडक्वार्टर बनाए बंगाल, सबको बंगाल बहुत प्यारा था, तो चाहते थे बंगाल ही तोड़ देते हैं, दो ग्रुप में तोड़ देते हैं, एक ईस्ट फॉर मुस्लिम, जो ईस्ट है उसे मुस्लिम के ग्रुप को एक नाम दे देते हैं, और जो वेस्ट हिंदू लोग को तोड़ देते हैं। अब मुस्लिम हिंदू में दरार पैदा कर देते हैं थ्रू डिवाइड एंड रूल। लेकिन इंडिया में इसका बहुत ही ज़्यादा अपोज होना शुरू हो गया। इंडिया में बहुत ही पीपल ऑल ओवर द इंडिया अपोज द डिसीशन। वो जो तोड़ने को जो चाहते थे ब्रिटिशर्स, जो डिवाइड एंड रूल का थ्रू मदद से,
उस लेकिन इंडिया को तब तक समझ आ गया था कि ब्रिटिश हमें तोड़ने चाहते हैं, तो सारे अपोज करना शुरू कर दिए। वहाँ से शुरू हुआ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट ये था अपना स्वदेशी सामान को यूज करना, और ब्रिटिशर्स जो 1905 में बोले थे कि बंगाल को पार्ट दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, उसका अगेंस्ट में ये था। ये चला 1908 तक, ये चला स्वदेशी मूवमेंट 1908 तक बच्चा, ये बच्चे लोग, ये चला 1905 से शुरू हुआ था बंगाल पार्टीशन से लेके 1908 तक स्वदेशी मूवमेंट चला। ये स्वदेशी मूवमेंट क्या था? बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स एंड रिवाइवल ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। घरेलू सामान यूज करना है, ब्रिटिश प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, और जो घर घरेलू ज़्यादा से ज़्यादा किसी इंडस्ट्री घर अपने ही देश में हो सके उसको एनकरेज करना है, एनकरेज इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज, घरेलू इंडस्ट्रीज को एनकरेज करना है ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा देश में ही सारा चीज़ हमें उपलब्ध हो। इसमें जो सबसे बड़ा आर्किटेक्ट थे, जो सबसे बड़ा आदमी थे जो कि ये मूवमेंट को आगे ले जाते थे, उनका नाम था अरविंद घोष, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। आपको ये नाम याद रखना है जो कि स्वदेशी मूवमेंट में मेन आर्किटेक्ट इन्हें बोला जाता है। ये एक इकोनॉमिक स्ट्रेटर्जी थी, एक इकोनॉमिक स्ट्रेटर्जी थी बच्चों की ब्रिटिशर्स को इकोनॉमिकली वीक किया जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा पावर था इकोनॉमी, पैसा उनका पास बहुत ही ज़्यादा था। उनको अगर इकोनॉमिकली पैसा कहाँ से लेते थे? इंडियन से लेते थे, कि रॉ मटेरियल ले जाते थे और हमें बहुत सामान वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बना के हमें बहुत हाई रेट में बेचते थे, तो ये इनका मेन इकोनॉमी था। जब इकोनॉमी कोई भी देश का टूटता है या कोई किसी का भी इकोनॉमी टूटता है तो पूरा संपूर्ण टूट जाता है। तो ये एक इकोनॉमिक वार था, एक इकोनॉमिक वार था इंडिया की तरफ से स्वदेशी मूवमेंट। तो यकीनन क्या हुआ होगा जब आप ये इंडिया लोग जीत गए थे ये स्वदेशी मूवमेंट, मतलब ब्रिटिशर्स मजबूरन बंगाल को जो पार्ट करने दो पार्टों में डिवाइड करने चाहते थे वो बंद कर दिए, बोले कि नहीं हम ये नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया पूरा इंडिया इसका अपोज कर रहा था। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक आया गद्दर पार्टी, गद्दर मतलब रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये बना था कहाँ, आपको ये याद रखना है, गद्दर पार्टी ये 21 अप्रैल 1913 में, ये जो सैन फ्रांसिस्को में इंडियन जो थे उन्होंने बनाए थे गद्दर पार्टी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब रिवोल्यूशनरी पार्टी। इसका एम क्या था? तो गेट रेड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन को खदेड़ना इसका मेन रूल था। 1 नवंबर 1913 में द गद्दर पार्टी स्टार्टेड वीकली न्यूज़पेपर, उसका नाम था गद्दर, गद्दार उसका नाम था। वो ये लैंग्वेज आपको याद रखना है, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती एंड पश्तो लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये न्यूज़पेपर करतार सिंह सरावा, ये नाम मत भूलना बच्चों, करतार सिंह सरावा ये सारा काम करते थे, पेपर जो छपता था उस टाइम का यही थे उनके पीछे का, करतार सिंह सरावा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब कुछ ठीक चलता था बच्चों, लेकिन उस टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। सब कुछ ठीक था, 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर हो गया, इंडिया का गाड़ी जो पटरी पे आना शुरू हुआ था सब कुछ पानी में चला गया। ठीक है बच्चों, फिर आगे पढ़ेंगे हम जब बड़े हो जाएंगे वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतनी ही बच्चों, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।